हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, बैंकिंग एग्जाम 2022 के अंदर होने जा रहे हैं, जिसमें अपने मैथ्स रीजनिंग के लिए जीरो टू हीरो प्री टू मेंस जो अपना बैच आ रहा है, तो फ्री बैच रहेगा आप लोगों के लिए। यूट्यूब पे बैच आ रहा है, यानी आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी उसमें जीरो टू हीरो की, और साथ में प्री टू मेंस सारी चीजें एक ही साथ होगी। अब अपने डिस्कस करेंगे आगे कि कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं, आईबीपीएस का कैलेंडर आया है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, आईबीपीएस के पहले कौन से एग्जाम होने वाले हैं उनके बारे में भी कंप्लीट डिस्कस करें। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग बैंकिंग एग्जाम 2022 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो रहेगा। तो चलिए अपने डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि जो मैथ्स और रीजनिंग आपका रहता है, क्वांट सेक्शन जिसको बोलते हैं आप लोग, और जो रीजनिंग सेक्शन है, इसमें आप लोगों को वही क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे अपने बैच के अंदर जो एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्री और मेंस दोनों एग्जाम के अंदर। सेम वही पैटर्न आप लोगों को मिलेगा जो प्री और मेंस में पूछा जाता है, क्योंकि आज तक हमने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, पर बहुत कम टीचर हैं जो ये कंटेंट पढ़ाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम में जो कंटेंट आएगा। तो क्वांट और रीजनिंग के लिए हमने ये सोचा कि हम आप लोगों के लिए जीरो से हीरो बैच लेके आए, एक फ्री बैच यूट्यूब पे आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को सारी चीजें वो मिले जो एग्जाम में आई, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। कहीं ना कहीं एग्जाम अगर आप लोग देने जा रहे हो तो एग्जाम में आप लोगों को ये महसूस ना हो कि ये चीज हमने पढ़ी नहीं है, तो ऐसा बैच हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को क्या दिखाना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करना, आप लोगों को लाइक्स वीडियो को करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, फ्री है चैनल, सब्सक्राइब करना कोई पैसा नहीं है। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम, ताकि फ्री में जो स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं कोई पैड वैच वगैरह नहीं ले पाते हैं, यानी फाइनेंशियल दिक्कत जिनके होती है, तो समझ सकते हैं कि एक एस्पिरेंट्स को टेस्ट सीरीज भी लेना होता है, एग्जाम के फॉर्म भी भरने होते हैं, बैचेस भी लेने होते हैं, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उन खर्चों के बीच अगर 2022 में कोई बैंकर बनना चाहता है और फ्री में पढ़ना चाहता है और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट चाहता है, तो उनके लिए बैच है हमारे द्वारा, और ये 1 फरवरी से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। 1 फरवरी से आप लोगों का बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यूट्यूब पे मिलेगा, इसी चैनल पे मिलेगा, एकदम फ्री मिलेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्लासेस का जो टाइम रहेगा वो क्लासेस का टाइम भी आप लोगों को बता दिया जाएगा कि मैथ्स की क्लास का टाइम क्या होगा, रीजनिंग की क्लास का टाइम क्या होगा, तो वो आप लोगों को सारी चीजें जब आपका 1 तारीख को बैच स्टार्ट होगा उसके साथ ही मिल जाएगी कि कौन कौन सी टाइम पे आप लोगों को क्लासेस मिलेगी, कितने दिन आपको क्लासेस मिलेगी, तो कंप्लीट उसी में रहेगा। अब आप लोगों को काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जो कि फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसका, तो सब्सक्राइब करो, और जो एक घंटी वाला बटन है वो दबा लो, ताकि जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। अब बात करते हैं एग्जाम्स की। देखो, आप लोगों के सामने कैलेंडर आ चुका है, अब कैलेंडर को बारीकी से समझेंगे। इससे पहले बता दूं कि कैलेंडर से पहले जो आप लोगों के एग्जाम हो रहे हैं ना, वो एग्जाम होगा आपका एसबीआई का, उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है, एसबीआई क्लरिकल, ये एग्जाम होगा आपका जून तक, और इसका नोटिफिकेशन अगर मैं बात करूं तो मार्च या अप्रैल तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, मार्च अप्रैल में। नोटिफिकेशन इसका कभी भी आए अपने को मतलब नहीं है उस चीज से, कि जब नोटिफिकेशन आएगा अपने पढ़ेंगे। एग्जाम जून में बताया जा रहा है, अभी एक्सपेक्टेड है, तो अपने मान के चलें कि जून में एग्जाम है। इसके बाद जो एग्जाम आपका आना है वो आपके आईबीपीएस के एग्जाम आने, इसके बाद आपका एसबीपीयू आना है। तो आप लोग देखो कि 4 एग्जाम तो ये आपके ऑफिस असिस्टेंट का हो गया, ऑफिस स्केल फर्स्ट का हो गया, और बाकी 2 क्लरिकल और पीयू के ही हो गए, तो 6 एग्जाम बड़े हैं आप लोगों के सामने। बाकी एलआईसी वगैरह आता है, आरबीआई आता है, वो आप लोगों के लिए अलग अपॉर्चुनिटीज है। तो आप लोगों को प्रिपरेशन एक ही करनी है, एक बार तैयारी करो, सारे एग्जाम आप लोग क्वालिफाई करोगे। अब चीजें यहां पे समझो, अब देखो इन्होंने जो डेट दे रखी है ना, बड़ा इनके अंदर आप लोगों को गेम दिखेगा। अब दिखाता हूं आपको गेम कैसे दिखेगा। देखो, ये जो 7 तारीख दे रखी है ना अगस्त की, उसके बाद 13 तारीख है, ये शायद आपने नहीं नोटिस किया होगा, पर मैं आप लोगों को बता दूं, 14 तारीख है, 20 तारीख है और 21 तारीख है। अब ये लास्ट डेट है ना आरआरबी प्रीलिम्स की, 21 अगस्त, आपकी लास्ट डेट क्या है आरआरबी प्रीलिम्स की, 21 अगस्त, ठीक है जी। अब देखो, जैसे 21 अगस्त को आप यहां से फ्री हो जाओगे प्रीलिम्स देके, अब आप क्या करोगे, अब आप सोचोगे सर मेंस की प्रिपरेशन करें, क्योंकि हमारा मेंस है 24 तारीख को आरआरबी पीओ का, जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट है। उसके बाद आप लोग बोलोगे सर आरआरबी जो ऑफिस असिस्टेंट है ना, उसका मेंस तो 1 अक्टूबर को है, अब हमने 21 तारीख को यहाँ पे तैयारी छोड़ दी प्रीलिम्स की, अब अपने चले मेंस की तरफ, जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करोगे। और यहाँ पे आप लोगों के पास दिन कितने बचे हैं, 21 अगस्त हो चुकी है, 24 सितंबर को एग्जाम है, सिर्फ 1 महीना, अभी भी 1 महीना नहीं, आगे और भी कुछ दिखाऊंगा आपको कि बहुत कम टाइम आपके पास रहेगा। अब जैसे आपने सोचा कि यार आरआरबी पीयू प्रीलिम्स की तो तैयारी और क्लरिकल प्रीलिम्स की तैयारी खत्म हो चुकी है, एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब इसके रिजल्ट का वेट किया जाए और उसके बाद अपने मेंस पे जुटेंगे,
इसके साथ ही आईबीपीएस ने ये और खेल कर दिया कि 28 अगस्त को, 3 सितंबर को, 4 सितंबर को मैं फ्री नहीं बैठने दूंगा आपको, 4 सितंबर तक आपका एग्जाम रहेगा क्लरिकल का, आईबीपीएस क्लरिकल का। अब 4 सितंबर निकल गया, इधर ऑफिसर स्केल फर्स्ट का एग्जाम है 24 सितंबर को मेंस का, दिन बच गया आप लोगों के पास 20। अब इस 20 दिनों में मेंस की तैयारी कौन कौन कर पाएगा, जीके कौन कर पाएगा, कंप्यूटर कौन करेगा, हिंदी कौन करेगा, इंग्लिश कौन करेगा, रीजनिंग हाई लेवल की कौन करेगा, क्वांट हाई लेवल का कौन करेगा। तो ये जो 20 दिन है ना, ये चीज आप लोग सोचो, कोई नहीं बताएगा ऐसी चीजें आप लोगों को, यूट्यूब पे भी नहीं बताएगा कि आप लोगों के पास बहुत बड़ा इस बार गेम है। ये सिर्फ 20 दिन बचेंगे आप लोगों के पास मेंस की प्रिपरेशन के लिए, जो ये सोच के बैठे ना पहले प्रीलिम्स निकाला जाए, प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेंस के लिए जुटेंगे, तो टाइम ही नहीं देगा इस बार। देखो 4 तारीख को तो लास्ट इसका प्रीलिम्स है, और उसके बाद देखो 24 को ये है, उसके एक वीक बाद 1 अगस्त अपना अक्टूबर को ये रहेगा, और 8 अक्टूबर को इसका मेंस है। तो 3 मेंस के एग्जाम रहने वाले हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 वीक के अंदर, 2 वीक में 3 मेंस के बड़े एग्जाम, ठीक है। और दिन आप लोगों को कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 20 दिन मेंस की तैयारी के लिए, 20 डेज आप लोगों को मिलेंगे। इन 20 दिनों के अंदर आप लोग तैयारी कर पाओगे, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट से भी ये क्वेश्चन है मेरा, और जो अभी नए स्टूडेंट जुटेंगे इस साल, जिनकी ग्रेजुएशन होगी या हो चुकी है ग्रेजुएशन, तो वो प्रिपरेशन में लगेंगे। तो क्या 20 दिनों में आप लोग प्रिपरेशन कर पाओगे, तो इस चीज को आप लोग सोचना आप खुद भी कि यार इन 20 दिनों में प्रिपरेशन नहीं हो सकता, तो अभी से अपने को क्या लगना पड़ेगा, प्री से मेंस लगना पड़ेगा, आज से ही प्री से मेंस अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी नहीं कि मेरे को आता नहीं प्रीलिम्स वाला तो मैं मेंस वाला क्यों करूं, मेरा प्री क्वालिफाई नहीं होता तो मैं मेंस वाला क्यों करूं, क्योंकि अब 2022 है, नया साल है, नई उम्मीदें हैं, नया कैलेंडर आप लोगों के सामने है, तो वो सारी चीजें आप लोग छोड़ दीजिए कि मुझसे प्री नहीं होता, वो नहीं होता। प्री के लिए आप लोग अगर मेहनत करना चाहो तो देखो एसबी क्लरिकल जून में है, अभी अपना जनवरी चल रहा है, तो लगभग 4 से 5 महीने आप लोगों के पास में है, और अब इधर अगर बात करूं तो मैं लगभग 6 महीने आप लोगों के पास में है, 180 दिन आप लोगों के पास में है। 180 दिन तो बहुत होते हैं बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए, पर आप लोगों का जुनून कितना है, आप लोगों का डेडिकेशन कितना है, आप लोग कितना ज्यादा मेहनत करोगे, वो चीज आप पे डिपेंड है। मैंने आप लोगों को जो सच्चाई थी वो दिखा दी कि मेंस का एग्जाम के लिए सिर्फ 20 दिन बचेंगे। अब 20 दिन में 6 महीने का जीके कौन कर पाएगा, स्टैटिक जीके कौन पढ़वाएगा, बैंकिंग कौन करेगा, कंप्यूटर कौन पढ़ेगा, जीए कौन पढ़ेगा, हिंदी कौन पढ़ेगा, इंग्लिश कौन करेगा, क्वांट कौन करेगा, रीजनिंग कौन करेगा। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस बार आप लोगों के ऊपर, कि जो कहते हैं ना प्री के बाद हम तो मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, तो इसलिए आप लोगों के लिए जो बैच लेके आ रहे हैं उसमें ये चीज है कि प्री टू मेंस आप लोगों को करा जाएगा। यानी जैसे उसमें बैच में होगा क्या, परसेंटेज का आपका टॉपिक है जैसे, तो इसमें सारे क्वेश्चन होंगे आपके लेवल 1, 2, लेवल 3, यानी 3 प्रकार के लेवल होंगे। लेवल 1 पे एकदम बेसिक होगा, लेवल 2 पे मॉडरेट होगा, और लेवल 3 पे जो क्वेश्चन होंगे वो मेंस वाले क्वेश्चन होंगे। यानी बाद में आप लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, यानी एक बार टॉपिक किया, बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, यानी एक ही बार में आप लोगों का प्री और मेंस दोनों हो जाएंगे। हर टॉपिक के अंदर ये चीज होगी कि उसका प्री का भी क्वेश्चन होगा, मेंस का भी होगा, ताकि आप लोगों को बार बार तैयारी ना करनी पड़े। अब ये 20 दिन बच्चे हैं ना, इन 20 दिनों में आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे पता है कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोग सिर्फ यही पूछते रहोगे सर जीके कितना पढ़े, जीके कहाँ से पढ़े, कौन सा सोर्स फॉलो करें, कितने महीने का पढ़े, बैंकिंग में क्या करें, स्टैटिक में क्या करेंगे, तो वो चीज नहीं करनी इस बार। जीके के लिए पहले ही मैं बता चुका हूँ अफेयर क्लाउड्स के PDF सबसे बेस्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे सर इनका जो कंटेंट है ना वो बहुत ज्यादा है। देखो ज्यादा उस स्टूडेंट के लिए जो पढ़ना नहीं चाहता, आप लोग इसकी वीकली PDF उठा लो, वीकली PDF आपको सिर्फ 18 से 20 पेज की मिलेगी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम बोलूंगा मैं इसको। 4 वीक की 4 PDF 100 पेज हो गए एक महीने के, हर वीक PDF निकालो, हर वीक PDF पढ़ो, बहुत कम कंटेंट है। और डेली बेस का जो भी इनके 20 क्वेश्चन आते हैं वो 20 क्वेश्चन पढ़ लो, या उनके नोट्स बना लो, बाकी इनकी PDFs भी आती है, और उन्हीं 20 क्वेश्चन की फिर क्विज होती है आपकी, और ये जो वीकली आती है इसकी भी क्विज होती है, तो सारी चीजें आपको मिल रही है एक ही प्राइस पे। तो कोड आप बैंकिंग सक्सेस यूज कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और लिंक वगैरह तो लगा ही है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेकआउट कर लेना। तो इससे बाहर कुछ नहीं है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन SBPO में भी इन्होंने कवर किए, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के कवर हुए हैं, तो इसीलिए आप लोग अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे कि ये तो पेड है, देखो आप लोगों के लिए जो क्विजेस वगैरह रहेगी वो पेड रहेगी इनके ऐप के अंदर, ये इनका ऐप है, तो उसमें आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी फ्री भी आप लोगों को PDFs वगैरह मिल जाती है। बाकी ये जो बैच है ये फ्री बैच है आप लोगों के लिए, मैथ्स रीजनिंग का बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, और ये सच्चाई आप लोग देख चुके हो 20 दिन वाली, तो ये गलती जो 2021 में हुई है ना करना दोबारा, अभी से जुट जाओ प्री मेंस में,
ये मत सोचो कि मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा तो मैं मेंस क्यों करूं। जब आप लोग मेंस और प्री दोनों करोगे तो दोनों ही क्वालिफाई होंगे और डेफिनेटली जॉब भी आएगी। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आप लग जाओ। बाकी ये वाला जो बता दूं मैं आपको, ये इसलिए बोला गया है कि जो आपका आईबीपीएस क्लरिकल का और ऑफिस असिस्टेंट का दो एग्जाम है ना, अगर सीईटी आता है तो वो दो एग्जाम ये इसके जो प्रीलिम्स है ना ऑफिस असिस्टेंट और क्लरिकल के, वो सीईटी के अंडर आएंगे। यानी जो सीईटी आएगा वो इस एग्जाम को करवाएगा। बाकी आपका जो पीयू का एग्जाम है वो आईबीपीएस करवाएगा प्री मेंस दोनों, और ये वाला जो पीयू है वो भी आईबीपीएस करवाएगा, ये वाला अश्व है वो भी आईबीपीएस करवाएगा। तो ये सारे एग्जाम आईबीपीएस करवाएगा। बाकी इन दोनों पे अभी सीईटी आया नहीं है, आएगा तो वो करवाएगा, नहीं तो आईबीपीएस ही करवाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें, आएगा तो सिर्फ प्रीलिम्स करवाएगा, मेंस फिर से आईबीपीएस करवाएगा। और ये चीज आप लोगों को शायद दोबारा से देखनी चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए आप लोगों को कि सर ये 20 दिन मिल रहे हैं तो हमें ये चीज नहीं सोचनी कि प्री के बाद मेंस करेंगे। आज से जीके पे लगेंगे, डेली जीके करेंगे, और जो बैच आ रहा है 1 फरवरी से उसमें जुटना है आप लोगों को, और जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली यार 2022 में आप लोग जॉब ले जाओगे। तो मिलते हैं अपने बैच के साथ।